सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से गौरी अमन सिटी के बारे में। तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग है यार, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ का डेवलपमेंट आपको दिखाता रहता हूँ, यमुना के अंदर क्या रेट अभी यहाँ पे चल रहे हैं, कितना डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के प्लॉट में हो चुका है। तो वो सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, वही अगर मैं गौर सिटी के बारे में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे गौरी अमन सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो 250 एकड़ में प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो यार, रेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी रेट हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रिवाइज्ड रेट आपको देखने को मिल जाता है हर 15-20 दिन हमें महीने में, डेढ़ महीने में। तो यहाँ पे भी रेट है कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ का यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पे इकलौता ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो 250 एकड़ में सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, जिसमें आपको हाई राइज अपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लॉट्स, विला एंड स्टूडियो अपार्टमेंट, इसके बाद कॉमर्शियल बहुत सारा है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे कॉमर्शियल जो फ्रंट एरिया है इसका यमुना एक्सप्रेस से बिल्कुल लगा हुआ, तो उसमें इन्होंने गौरी अमन सिटी वालों ने क्या काम किया है कि सारा ही कॉमर्शियल कर दिया है। तो एक पूरा कॉमर्शियल बेल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्टर 19 के अंदर। तो वहीं अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों, ये परी चौक से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो 0 पॉइंट से मात्र 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एग्जिट 2C आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आपको एग्जिट करना है और फिर नीचे सर्विस लेन के माध्यम से, जिस पर अभी हम आप देख सकते हैं 100 मीटर का वही वाइड रोड है, यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल है, तो आप इसके माध्यम से आप गौरी अमन सिटी पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं सामने सेक्टर 18 के एंट्रेंस है, जो कि सर्विस लेन से यहाँ पे एग्जिट करते हैं सारे पॉकेट के अंदर। तो यहाँ पे आप 7A की तरफ से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम VIP गेट एंट्री पे पहुंच चुके हैं गौरी अमन सिटी के पे, जो कि अब भी आपको यहाँ पे एंट्री करते ही आपको राइट साइड में ही आपको सेल्स ऑफिस इसका देखने को मिलता है। तो VIP गेट से एंट्री है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके बनाया गया है। तो इसका लेक का व्यू भी आपको पूरा दिखाऊंगा, तो वीडियो को यार अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो के माध्यम से आपको सारी डेवलपमेंट आपको दिख जाएगी गौरी अमन सिटी के बारे में। तो वहीं अगर मैं गौरी अमन सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट ये सेक्टर 19 के अंदर आपको प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाई राइज अपार्टमेंट भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, प्लॉट्स भी अवेलेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे जो खास इस प्रोजेक्ट को बनाती है, इसका एक तो लेक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने जो फ्रंट साइड पे पूरा कमर्शियल इसमें फ्यूचर में प्लान किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो यार, अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। इसके अंदर आपको पूरा रनिंग में मार्केट आपको मिल जाता है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं लेक के अंदर और इसमें देखते हैं यहाँ पे कितना शानदार व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि लेक काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन करके इसको बनाया गया है। और काफ़ी ये एक एज ए आपके फैमिली के पर्पज़ से अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके वीकेंड पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे और सुंदर जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपको। तो लेक का व्यू देखिए यार, कितना शानदार यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सर, गौर सिटी की यही बात है, यहाँ पे इसका जो आर्किटेक्ट है उन्होंने जो लेक को डिज़ाइन करके बनाया, वो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको आई कैचिंग आपको प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये लेक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके फेसिंग में ही आपको विला ये फर्स्ट और सेकंड पार्क व्यू में आपको देखने को मिलेंगे। जो हाई राइज अपार्टमेंट में दोस्तों, यहाँ पे ये 16 पार्क व्यू में, जो कि 16 पार्क व्यू में आपको हाई राइज अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, 2 एंड 3 BHK फ्लैट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्लैट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेट के बारे में, तो 16 पार्क व्यू में जो रेट है वो करंटली 2 BHK का कम से कम 50 लाख के आसपास, 45 से 50 लाख के आसपास भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अभी 2 BHK प्लस स्टडी रूम या फिर सर्वेंट रूम ये उसको बोल सकते हैं। तो ये हाई राइज अपार्टमेंट का ये रेट आपको मैं बता रहा हूँ। रही अगर बात है यहाँ पे जो लेक फेसिंग विलाज है, वो थोड़ा कॉस्टली आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आप व्यू पर शानदार नज़ारा देखिए लेक का, काफ़ी अट्रैक्टिव इस लेक को बनाया गया है, वो भी रेट में ज़रूर आपको बताऊंगा, जो कि लेक फेसिंग विला के यहाँ पर कितने रेट अभी करंटली मार्केट के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि रीसेल में भी और फ्रेश यूनिट में तो अभी अवेलेबल है ही नहीं।
दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दो नंबर पे भी, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या फिर आप गोरेमना सिटी के अंदर आप कोई भी फ्लैट या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो यार यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इसको माना जाता है। तो आप यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट भी आप आके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा जो कि बनकर ऑलमोस्ट 70% इसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका है और सारे ये रेर अप्रूव्ड है और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी प्रोजेक्ट इसमें होने वाला है। जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये एयरपोर्ट के पास नियर बाई एक इकलौता ये ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रही बात प्रॉपर्टी की, अगर इन्वेस्टमेंट का आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सेक्टर 18-20 के अंदर जितना भी ये यमुना अथॉरिटी प्लॉट है उन पर रेट डाउन हुआ है, लेकिन अभी तक गौर यमुना सिटी का रेट में कोई डाउनफॉल नहीं आया है या फिर कोई भी यहाँ पर रेट अभी नहीं गिरे हैं। तो यहाँ पर रेट बढ़ने वाला है ऑलमोस्ट, गौर सिटी की तरफ से भी आपको महंगे रेट में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप रीसेल में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।